हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए यहाँ पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख जाएगा वीडियो के नीचे में, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, इसके ऊपर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। और फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिए। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे अपने पीसी में पीसी का एडमिनिस्ट्रेटर नेम जो होता है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले मैं बता दूँ, ये जो मेरा पीसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम है वो इस नाम से है, तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जो सर्च बार है वो सर्च करना है NETPLWIZ। ये देखिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है NETPLWIZ। ये लिख के आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर करके रन अप एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जो विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रॉपर्टीज के ऊपर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है, ये जो है वो यूज़र नेम है, तो ये हम रहने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर फुल नेम जो है ये आपको चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। ये देखिए मैं देखिए यहाँ पर जो नेम है वो मैंने RJTech लिख दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको एक बार सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ओके ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको आपकी जो पीसी है वो एक बार ये साइन आउट होके फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड, मेरा जो रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, तो साइन अप हो जाने के बाद तो बंद हो जाएगा, तो फिर मैं रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपके पीसी साइन आउट होके साइन इन हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली विंडोज बटन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर इस तरह बहुत ही आसानी से आपके विंडोज़ का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो वो होगा वो कैसे आप अपने विंडोज़ में पासवर्ड लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।